हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 रोजे कंप्लीट हो गए हैं, तो आज पहली मरतबा शामी कबाब बन रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, शामी कबाब भी बड़े अच्छे बनते हैं। गोश्त को, मटन को आप बॉईल करने के बाद अच्छे से उसको मिक्सर में पीस लीजिए। उसके बाद उसमें हरी मिर्च, समार, प्याज और थोड़ा सा बेसन वगैरह उसमें डाल दीजिए और ऐसा पेस्ट बना लीजिए। और दही हसबे जायका अगर आपको पसंद हो उसके अंदर, और थोड़ा सा नींबू वो भी हसबे जायका आपके हिसाब से। अगर आप उसको थोड़ा सा डाल के पसंद करते हैं, हल्का सा, हल्की खटास आती है तो अच्छा लगता है। तो ऐसा पेस्ट आप उसको तैयार कर लीजिए और इस तरह से छोटे छोटे टिकिया बना लीजिए जैसा मैं बना रहा हूँ। और आप इसको इस तरह से बनाकर तेल को अच्छा सा आप इसको गर्म होने दीजिए, और नॉनस्टिक अगर आप बर्तन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ये चिपकता नहीं है। इस तरह से आप इसको बना लीजिए और थोड़ा सा साइड देख लीजिए आप, वरना ये फट जाते हैं, फैलते हैं। और यहाँ आप इसको इस तरह से डाल दीजिए। थोड़े छोटे, ये ज़रा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बना लीजिए क्योंकि फैलता भी है वो, तो थोड़े छोटे बनाकर अच्छा सा शेप दे दीजिए उसको। और ये इस तरह का शेप ऐसा कर दीजिए आप उसको, इस तरह का शेप बन जाएगा। और ध्यान रखिए तेल उड़े ना, वरना हाथ मुँह जलने के चांसेस रहते हैं। तो अब ये तैयार हो गया है पेस्ट, और ये मैंने डाल दिया है। और अब ये हल्के हल्के जी हल्की आँच पर इसको आप इसको फ्राई होने दीजिए। इसको ज़्यादा तेल मत डालिएगा, ज़्यादा तेल डालने से वो कड़क हो जाते हैं, तो हल्का तेल डालिए। नॉन स्टिक अगर बर्तन है तो ज़्यादा अच्छा, जैसे मैंने बताया आपको। और ये इस तरह से डाल दीजिए उसको। अब ये हल्के हल्के धीमी आंच पर ये फ्राई होते रहेंगे। शामी कबाब बहुत सारे लोग इसमें ज़्यादा बेसन डाल देते हैं, तो ज़्यादा बेसन ना डालें क्योंकि फिर बेसन का चने के दाल में ही मज़ा आता है। तो कम दाल से बनाइएगा इसको, और खालिश गोश्त होना चाहिए इसमें, तो खाने में मज़ा आता है। और ये धीरे से आप इसको थोड़ी सी गैस ज़्यादा हो गई है, तो हल्का सा ये ज़्यादा ब्राउन हो गया है। चलता कुछ नहीं होता, थोड़ा सा इसको आप ज़्यादा देर तक इसको रखिए। इसको दूसरी तरफ से
लिखे हैं।